तो हेलो एंड वेलकम, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक, आप देख रहे हो एजुकेशन विथ विवेक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय रोजदान ऐप, जिसको डाउनलोड करते ही 50 रुपये इंस्टेंटली आपको मिल जाएंगे। आप पर डे के 200 रुपये कमा सकते हो। तो लिंक नीचे दिए और डाउनलोड राइट नाउ। जैसा कि आप सभी पढ़ पा रहे हैं, पीटीटी काउंसलिंग प्रक्रिया 5,000 22,000 वापस कैसे लाएँ, स्टेप बाय स्टेप कैसे करें आवेदन, और एक लड़के का उदाहरण देंगे, पूरी सटीक जानकारी मिलेगी। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं और एक बच्चे का उदाहरण देकर हम पूरा निकाल उसका उसका हम अप्लाई करते हैं। उसी तरह आपको अप्लाई करना है। तो चलिए पीटीटी की ऑफिशियल साइट पर जाते हैं और अप्लाई करते हैं। तो हम आए पीटीटी की ऑफिशियल साइट पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, अप्लाई फॉर अर्बन मूवमेंट, उसका बीए बीएड सब्जेक्ट था। तो हम उसके अप्लाई फॉर अर्बन मूवमेंट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है आपका कोर्स कौन सा है। जैसे बीए इंटीग्रेटेड इसका कोर्स था, इस पर हम सर्च किया, उसका रोल नंबर क्या था। रोल नंबर हम आपके सामने इसके टाइप कर रहे हैं। रोल नंबर थे इसके 75 75 74 60 इसके रोल नंबर थे। अब इसकी आईडी, काउंसलिंग आईडी हम इसका डालेंगे। काउंसलिंग आईडी यही थी 13343, इसकी काउंसलिंग आईडी थी। तो काउंसलिंग आईडी पे हम क्लिक कर देते हैं। काउंसलिंग आईडी आ गई। नाम इसका, अब नाम था नरेश मेघवाल, नाम था नरेश कुमार मेघवाल, इसका नाम नरेश कुमार मेघवाल था। और इसकी मम्मी का नाम लीला देवी, ली एल डबल ई एल ए लीला देवी, लीला देवी, लीला देवी। लिखने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ इसका था 9 तारीख, 5वां महीना, यानी कि मई मई 5वां महीना 2000, इसके 2001 था। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि हमने सारी जो भर दिए, फिलअप कर दिया। आपको लॉगिन पर क्लिक करना। लॉगिन करने के बाद कुछ ये ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है कि रोल नंबर, आईएफएससी कोड। फिर अब ये पूछ रहा है कि बैंक डिटेल आपको देनी है। सबसे पहले जैसे कि आपको बैंक डिटेल देनी है, बैंक कोड देनी है, बैंक आईएफएससी नंबर देना है, फिर कंफर्म बैंक नंबर देना है, फिर कैंडिडेट का नेम, अकाउंट में जो अकाउंट में नेम है वो देना है, फिर पासबुक की कॉपी इधर पेस्ट करनी है, वो सारा वो एड्रेस प्रूफ देना है आपको। फिर ये ट्रांजैक्शन आईडी, यानी कि जो आपने अपने चालान नंबर पे, जो जैसे कि सिलेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो को ऑप्शन आता है, जैसे कि ये इसकी ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगी। और इधर ये का ये इधर पेस्ट करना है, फिर दूसरा वाला करना है वो का वो इधर पेस्ट करना है, फिर आपको सेव पे करना है। देखो इधर पहले आपको जितने भी चालान नंबर एक सारे एक जैसे होंगे, जैसे इधर पर क्लिक किया अब ऑटोमेटिक चालान नंबर आ जाएंगे। ये इस पर क्लिक किया, ये इस पर क्लिक किया, फिर ये इस पर क्लिक किया। तो सिर्फ हमको कितना करना है, सिर्फ एक करना है, यानी कि एक ही 5,000 इसने भरे थे। तो जितने हम 5,000 पे क्लिक किया, फिर 5,000 वाला कब ट्रांजेक्शन आईडी कब किया था, वो पेमेंट मेथड भी, पेमेंट मेथड कौन सा आपने मेथड किया था वो करना है। फिर आपके बाद में इसको कर देना है सेव। सेव करने के बाद वो प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा और आपका पेमेंट सिक्योर हो जाएगा। तो आप ई मित्र पे जाके अप्लाई करें, घर बैठे अप्लाई करने की कोशिश ना करें, क्योंकि गड़बड़ हो सकती है। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।